नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। शायद आपको पता हो कि साल में दो महीने ऐसे होते हैं जिन्हें हम खरमास या मलमास कहते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि खरमास क्या होता है, इसका नाम खरमास क्यों पड़ा, 2020 में यानी इस साल खरमास कौन कौन से महीने हैं, उनकी क्या तारीखें हैं, खरमास के महीने में शुभ काम करना क्यों वर्जित है, या ऐसे कौन से शुभ काम हैं जिनको इन महीनों में किया जा सकता है और किन कामों को नहीं किया जा सकता, तो अगर आप ये सब चीज़ जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इन दोनों महीनों को या साल में जो दो महीने आते हैं उन्हें खरमास या मलमास क्यों कहा जाता है और इसमें शुभ काम क्यों वर्जित है। तो जब भी सूर्य देवगुरु बृहस्पति की राशि, देवगुरु बृहस्पति कौन सी राशि है, एक धनु राशि है और एक मीन राशि है, तो जब भी सूर्य धनु राशि या मीन राशि में गमन करता है या इन राशियों में आता है तो सूर्य की जो गति है, सूर्य का जो प्रभाव है, सूर्य का जो तेज है वो कम पड़ जाता है। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि सूर्य जो है मलिन हो जाता है और इसी कारण इसे मलमास कहा जाता है या खरमास कहा जाता है। और जब सूर्य मलिन हो जाता है, मतलब सूर्य अशुभ हो जाता है, तो किसी भी शुभ कार्य को इस समय नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी शुभ काम को करने के लिए सूर्य का शुभ होना बहुत जरूरी है। अगर सूर्य शुभ स्थिति में या अच्छी स्थिति में नहीं होगा तो वो कार्य कभी भी सफल नहीं हो सकता। इसी कारण से खरमास में या मलमास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता। तो चलिए अब ये जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से काम हैं, ऐसे कौन कौन से शुभ कार्य हैं जो इन महीनों में नहीं कर सकते। तो सबसे पहले नाम आता है विवाह का। विवाह नहीं कर सकते, सगाई नहीं कर सकते, बच्चों का मुंडन नहीं करवा सकते, गृह प्रवेश नहीं कर सकते, नए घर का निर्माण शुरू नहीं कर सकते, जनेऊ संस्कार भी हम इस समय नहीं कर सकते, और नए व्यापार की अगर शुरुआत करनी है तो वो भी इस समय यानी कि खरमास या मलमास में उसको भी शुरू नहीं कर सकते। यानी ये इतने सारे काम हैं जो कि खरमास में नहीं किए जा सकते। अब मैं आपको वो काम बताता हूँ जो खरमास में आप कर सकते हो। तो जो काम पहले से चल रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका घर बन रहा है, पिछले दो महीने से घर बन रहा है, तो उसको आप बंद नहीं करें, उसको चलने दें। सीमांत संस्कार, जात कर्म संस्कार और अन्न प्राशन संस्कार, ये संस्कार वो है, अगर ये संस्कार की पहले से तिथि तय हो गई है तो आप इन संस्कारों को या इन शुभ कार्य को इस दौरान कर सकते हैं। साथ ही गया जी में जाकर अगर आप अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहते हैं तो वो भी इस समय कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे शुभ काम हैं जिनको आप खरमास में भी कर सकते हैं। चलिए अब ये जानते हैं कि इस वर्ष यानी साल 2020 में वो कौन कौन सा समय होगा, वो कौन कौन से महीने होंगे जब खरमास रहेगा। तो जो पहला खरमास है वो 14 मार्च से लगाकर 13 अप्रैल तक रहेगा। 14 मार्च 2020 से लगाकर 13 अप्रैल 2020 तक का जो समय है वो पहले खरमास का है। और जो दूसरा खरमास रहेगा वो 16 दिसंबर 2020 से 15 जनवरी 2021 तक रहेगा। तो ये दो ड्यूरेशन ऐसी है जिसमें आप कोई भी शुभ कार्य को नहीं कर सकते। चलिए मैं आपको अब उन तिथियों के बारे में बताता हूँ जिनमें आप शुभ काम कर सकते हैं इस साल में। जिस साल के दौरान पूरे जो साल है उसमें कौन कौन सी ऐसी तिथि रहेगी जिन पर आप शुभ काम को कर सकते हैं, शुभ काम कोई से भी हो आप उन पर कर सकते हैं। तो अगली जो स्लाइड में आपको दिखाने जा रहा हूँ उसमें वो तिथियां हैं जिन पर आप शुभ काम को कर सकते हैं। तो चलिए कैसे लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश, मुझे दीजिए आज्ञा।